अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल रू अफज़े और दूध का शरबत। तो बनाने के लिए शरबत, ये देखिए हमने एक गिलास पानी ले लिया है और ये हल्का गुनगुना है ताकि शक्कर हमारी अच्छी तरीके से घुल जाए। तो इसको हम इस प्याले में पानी को डाल लेंगे। ये देखिए आधा गिलास ये है, एक गिलास ये, डेढ़ गिलास, सवा गिलास पानी है, इसको हम बॉल में डाल लिए। और ये देखिए ये एक प्याली भर के शक्कर है, ये 250 ग्राम शक्कर है, इसको हम डाल देंगे इसमें। तो इसको हम अच्छे से घोल लेंगे। कभी भी आप लोग शक्कर घोलें तो हल्का सा गुनगुना पानी कर लें, शक्कर बड़ी आसानी से घुल जाती है। अगर ठंडे पानी में घोलेंगे शक्कर ना तो जल्दी नहीं घुल पाएगी। तो इस शक्कर को हम घोल लेंगे अभी। तो अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए फिर शक्कर हमारी घुल चुकी है। ये देखिए आप चाहें तो मिक्सर जार में भी इसको घोल लें शक्कर डाल के, लेकिन हम इस तरीके से घोले हैं। तो ये देखिए रू अफज़ा हमने ले लिया है प्याली में, बस हमको इतना ही रू अफज़ा डालना है खाली कलर के लिए, और बाकी हम दूध डाल के शरबत बनाएंगे। तो देखिए लाइट शरबत हमें पसंद है तो हमने रू अफज़ा कम लिया है। अगर आपको ज़्यादा डालना है, डार्क पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा। तो देखिए फिर हमने रू अफज़ा डाल दिया है, अब इसमें डालेंगे दूध। ये देखिए शरबत बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग जब पीजिएगा तो बताइएगा, बहुत अच्छा लगता है शरबत अफ्तार के टाइम। अफ्तार में आपको तर और ताज़ा कर देगा ये शरबत, आप लोग जरूर पीजिएगा। अब इसको हम गिलास में डालेंगे, इसमें हम बर्फ़ के टुकड़े डाल दें थोड़े। तो देखिए कितना लाइट लाइट कलर आया है, ऐसा ही कलर हमको चाहिए था। ये देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है देखने में, देखिए। तो अब हम गिलास में बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, तो अब हम गिलास में शरबत डाल देंगे। तो इसमें हम थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल देंगे, ये देखिए। अगर आपको पसंद है तो डालिए, वरना मत डालिएगा। तो हमारा शरबत बनके तैयार है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो अगर हमारी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।